हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अपन प्रीवियस क्लासेस में अब तक साइकियाट्रिक में माइलस्टोन डेवलपमेंट के बारे में और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट और उसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एक तरीके से देखा जाए तो इसलिए पढ़ा जाता है कि जैसे मेडिकल सर्जिकल में अगर बात करें, आपके मेडिकल सर्जिकल में भी मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन होता है, सॉरी मेंटल डिजीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग डिजीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करते हो पेप्टिक अल्सर, अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो पेप्टिक अल्सर से सफर्ड है, ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर से सफर्ड होने वाले पेशेंट के लिए अगर इस डिजीज़ को आप क्लासिफाइड करोगे तो ये किस कौन से सिस्टम में जाएगा? गैस्ट्रो, यानी कि GI सिस्टम में पेप्टिक अल्सर वाली डिजीज़ जाती है। सेम उसी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स का जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे उसमें भी पर्टिकुलर डिजीज़ कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है और कौन सी डिजीज़ कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर में आती है, ये चीज़ आप लोग इसमें पढ़ोगे। मेंटल इलनेस के डिजीज़ की क्लासिफिकेशन को आज अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट वन, द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एडिशन नॉन एज द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉज ऑफ डेथ वॉज एडोप्टेड बाई द इंटरनेशनल स्टेटिकल इंस्टीट्यूट इन 1893। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हुआ मेंटल इलनेस के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ उसमें इंटरनेशनल लिस्ट में कॉज ऑफ डेथ वॉज अडॉप्टेड बाई द इंटरनेशनल स्टेटिकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले वो जो इंटरनेशनल डेथ की जो लिस्ट थी वो अडॉप्टेड की गई बाय द इंटरनेशनल स्टेटिकल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टेटिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा 1893 में सबसे पहले कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ माने कि किस डिजीज के कारण उस पर्सन की डेथ हुई है, इस लिस्ट को कैरी आउट किया जाने लगा, ठीक है। WHO वॉज इंटरेस्टेड विथ द ICD एट इट्स क्रिएशन इन 1948 एंड फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड 6th वर्जन ऑफ ICD इनटू 1949। आप ICD क्लासिफिकेशन जिसमें आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे 5th वर्जन 6th वर्जन, तो 5th वर्जन और 6th वर्जन 7th वर्जन इसमें क्या मीन्स है इस चीज़ों का? एक्चुअली में जब ICD क्लासिफिकेशन होता है, ICD क्लासिफिकेशन क्या है? ICD क्लासिफिकेशन एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है जिसमें कि डिजीज़ को डिवाइडेड किया गया है। WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने सब लोगों ने अच्छे से सुना होगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्था है इसने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ बनाया, मतलब कि मेंटल इलनेस वाले पेशेंटों के लिए एक क्लासिफिकेशन बनाया जिसे पेशेंटों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया। तो ये इंटरेस्टेड था ICD, WHO के साथ कौन था? WHO वॉज इंटरेस्टेड इन द ICD, WHO सिर्फ ICD में इंटरेस्टेड था एट इट्स क्रिएशन इन 1949 में ICD क्लासिफिकेशन यानी कि मेंटल इलनेस का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग डिजीज को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया गया था और फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड 6th वर्जन ऑन ICD इनटू 1949। और इसका क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5th वर्जन तक पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि उनमें मॉडिफिकेशन होते रहे, लेकिन जो 6th वर्जन ऑफ ICD क्लासिफिकेशन आया उसको 1949 में क्या किया गया, पब्लिश्ड किया गया। तो ICD क्लासिफिकेशन स्टार्ट तो कब हुआ, 1948 में, और जबकि इसका वापस रिवीजन कब किया गया, 1949 में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में इमेल कैपलाइन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एमिल कैपलाइन फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड द मेंटल इलनेस। इमेल कैपलाइन जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन किया।
एट प्रेजेंट देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ICD-10 एंड DSM-5। आपने अभी पढ़ा कि 1948 में क्या हुआ, सिक्स वर्जन ऑफ ICD का क्लासिफिकेशन का पब्लिकेशन हुआ। और एट प्रेजेंट अभी अपन बात करें तो एट प्रेजेंट में जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस चलते हैं वर्ल्ड में, वो मेजर क्लासिफिकेशन है दो, ICD-10 और DSM-5। ICD-10 इज गिवन इन 1992 एंड DSM-5 गिवन इन 2030। आप लोगों को मैं बता दूं, ICD मींस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसका सिक्स वर्जन तो 1948 में आया था, बट इसका जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता गया, ICD-10 जब आया तो ICD-10 के टाइम 1992 में ICD-10 का मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में अभी ICD-10 का नया वर्जन नहीं आया है, और 1992 में जो वर्जन माना गया था उसी वर्जन को कंटिन्यू माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD, जो कि WHO के द्वारा दिया गया। लेकिन DSM-5 से मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल ऑफ डिजीज। और ये DSM-5 जो है वो APA के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा क्या है, DSM-5 दिया गया। लेकिन DSM-5 से पहले जो था DSM-4 था, वो 1994 में दिया गया है। आप इसको डिटेक्ट कर लें अपने नोट्स में कि DSM-4 जो था वो 1994 यानी कि 1994 में दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब DSM-5 आया तो DSM-5 पब्लिश किया गया कब, 18 मई 2013 DSM-5 को क्या है, 18 मई 2013 को, 18 मई 2013 को पब्लिश किया गया DSM-5। तो पहले जो ओल्ड बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, वो DSM-4 के अकॉर्डिंग चलती हैं, लेकिन जो नया वर्जन है, जो पब्लिकेशन है, वो DSM-5 हो चुका है और वो 18 मई 2013 को हो चुका है, ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर मेंटल डिसऑर्डर इज क्लासिफाइड बाय इंडियन क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीज। तो जो भी मेंटल इलनेस के क्लासिफिकेशन है, इन मेंटल इलनेस के क्लासिफिकेशन को मेनली तीन टाइप से डिवाइडेड माना जा सकता है। कैसे, फर्स्ट वन जो मेजर टाइप्स हैं वो तो हैं ICD और DSM। ध्यान से सुनो बेटा, ICD और DSM। ICD क्लासिफिकेशन को आप क्या कहते हो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD मीन्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जबकि DSM को डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल ऑफ डिजीज, DSM मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल ऑफ डिजीज। आप लोगों को मैंने बताया ICD का सिक्स वर्जन 1948 में आया था, उसके अलावा ICD का फिर 7th, 8th, 9th और 10th वर्जन आया, और 10th वर्जन कब आया, 1992 में। और जब 1992 में ICD का ये 10th वर्जन आया, तब DSM के क्लासिफिकेशन का फोर्थ वर्जन चल रहा था, DSM-4 जो कि 1994 में दिया गया था। फिर DSM-4 में मॉडिफिकेशन किया गया और DSM-4 में DSM-5 दिया गया। DSM-5 मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल ऑफ डिजीज, ये मेंटल इलनेस के क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप था। और जो ये मेंटल इलनेस का सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया वो 18 मई 2013 को रिवाइज्ड किया गया, और उसे किस नाम से जाना गया, DSM क्लासिफिकेशन ऑफ फिफ्थ, यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल क्लासिफिकेशन फिफ्थ के नाम से जाना गया। ये तो हो गए दो मेजर पार्ट, और एक और पार्ट है मेंटल इलनेस का। तीन टाइप से अपन मेंटल इलनेस को क्लासिफाइड करते हैं, और थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन आता है वो है इंडियन क्लासिफिकेशन। कौन सा है, इंडियन क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, वो क्लासिफिकेशन जो ICD-8 आया था, ICD-8, और ICD किसके द्वारा दिया गया था, WHO के द्वारा। तो WHO के द्वारा जब ICD-8 दिया गया, तो ICD-8 में मॉडिफिकेशन कर और इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज दिया गया। तो मेजरली आप लोगों को याद में रहना चाहिए, मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन मेजरली किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनको आप
फर्स्ट वन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहते हो, फर्स्ट वन, सेकंड वन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ डिजीज कहते हो, और थर्ड वन इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहते हो। आज अपन इन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है ICD, कौन सा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इंटरनेशनल और ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का कौन सा वर्जन है, 10th वर्जन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ICD-10। ICD-10 को अगर बात करें, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज आल्सो नोन एज एफ चैप्टर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज यानी कि ICD को चैप्टर एफ के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर एफ इसलिए क्यों, इसको इसको क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम से डिवाइडेड करते हैं। किस सिस्टम से करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम से डिवाइडेड करते हैं। तो इसमें जब डिजीज का डिवाइडेशन है तो डिवाइडेशन कैसे होता है, F00 से F09, F10 से F19, F20 से F29, F30 से F39, F40 से F49। तो हर एक चैप्टर में क्या आता है, कैपिटल F। तो कैपिटल F के कारण ICD क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, चैप्टर F। किस नाम से जानते हैं, चैप्टर F के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसको अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम से भी एक्सप्लेन करते हैं, यहां तक ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि अगर ये डिवाइडेशन है तो कितने चैप्टर्स में है, तो इसको F00 से F99 तक डिवाइडेड किया गया है। अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम कहां से है, F00 से F99। और अब अगर अपन पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, जैसे कि GI यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या रेस्पायरेटरी, तो रेस्पायरेटरी में COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सारी डिजीज क्या है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, एक एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजीज क्लासिफाई होती है, वैसे ही मेंटल इलनेस में भी डिजीज सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होती है। जैसे कि फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो कौन सा है, F00 से F09, F00 से F09, इसमें कौन कौन सी आती है, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। फर्स्ट वन तो कौन सा है, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम यानी कि ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण, कोई भी एबनॉर्मलिटी होने के कारण जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो कौन से में आते हैं, F00 से F09। ऑर्गेनिक से मतलब होता है यानी कि न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसके कारण क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, जैसे कि डेलीरियम हुआ, डिमेंशिया हुआ। तो ये सारे डिसऑर्डर जो हैं वो किस में आते हैं, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि ऑर्गेनिक के कारण मेंटल में डिसऑर्डर होना किस में आता है, F00 से F09, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं F10 से F19। F10 से 19 की अगर बात करते हैं तो वो उसमें कौन सा आएगा, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सबस्टांसेस अब्यूज। जो सबस्टांसेस होते हैं उन सबस्टांसेस को का अब्यूज यूज करने के कारण जो भी प्रॉब्लम मेंटली प्रॉब्लम होती है वो एफ चैप्टर के F10 से F19 के क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं F20 से 29। स्टूडेंट्स, जो मेजर प्रॉब्लम है या सबसे सीवियर प्रॉब्लम है वो पेशेंट में होती है सिजोफ्रेनिया की, और सिजोफ्रेनिया का जो मतलब होता है वो होता है स्प्लिट ऑफ माइंड, जिसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स, साइकोमोटर और जितने भी आपने सिम्टम्स पढ़े हैं उसमें से बहुत सबसे ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। तो F20 से 29 के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, स्किजोफ्रेनिया, स्किजोटाइपल एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर। कौन कौन से आते हैं, स्किजोफ्रेनिया, स्किजोटाइपल एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर। उसके बाद में चैप्टर फोर्थ की बात करते हैं, वो कौन सा है, F30 से 39। F30 से 39 में कौन सा आता है, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। और मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए, बाइपोलर मूड होता है, और जिसमें कौन कौन सा आता है, मेनिया एंड डिप्रेशन। कौन कौन से आते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन और BPD, बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि दो पोल हो जाते हैं मूड के, कभी मेनिक कंडीशन में हो जाता है, कभी डिप्रेसिव कंडीशन में हो जाता है। तो वो वाला जो क्लासिफिकेशन है तो ये किस में आता है, F30 से 39 में, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं F40 से 49। F40 से 49 देखा जाए तो आते हैं न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसमें कौन कौन से आते हैं,
न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में आते हैं अपने पास फोबिया। फोबिया क्या है? फियर या किसी भी चीज़ से डर, जैसे कि पानी हुआ या फिर बिजली हुई, सब किसी न किसी चीज़ से डर होना, शादी से डर, हर एक, तो बहुत से टाइप के फोबिया होते हैं। तो फोबिया के डिसऑर्डर, एंजाइटी के डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर यानी कि अपनी पर्सनैलिटी से डिसोसिएट हो जाना, तो वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर किस में आते हैं? F40 से 49 में। उसके बाद अपन बात करते हैं F50 से 59। F50 से 59 में आता है बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से मतलब है जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेज आए जिसमें कि नॉर्मल फंक्शन जो है बॉडी के वो आप नहीं कर पाते हो, जैसे किसी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण आप ईटिंग बराबर नहीं कर रहे हो, एक्सेसिव ईटिंग कर रहे हो या बिल्कुल नहीं कर रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न आपका सही नहीं है, स्लीपिंग जो साइकिल होता है उसमें प्रॉब्लम है, या सेक्सुअल डिसफंक्शन है, तो ये जो भी साइकिल में प्रॉब्लम आती है, जो नॉर्मल पैटर्न पे लाइफ जिसकी चलनी चाहिए, वो किस में आते हैं? बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए F60 से 69 में। F60 से 69 में आएगा डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनलिटी एंड बिहेवियर। जो भी जितनी भी पर्सनलिटी के टाइप्स हैं और वो पर्सनलिटी में जो भी आपके डिसऑर्डर होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे कि किसी की पैरानोइड पर्सनलिटी है, जैसे कि पैरानोइड पर्सनलिटी से क्या मतलब है? शक करने की प्रवृत्ति है, किसी की क्या होती है? सस्पिशियसनेस की भावना रहती है, दूसरों पर शक करता रहता है, जैसे कि ये मेरे को मारना चाहता है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं करता है, ये मेरी बात दूसरे को जाके कहता है, तो सस्पिशियसनेस वाली जो फीलिंग होती है। अब वो जितने भी पर्सनलिटी के डिसऑर्डर होंगे वो किस में आएंगे? F60 से 69 में। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं F70 से 79। F70 से 79 का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में ऐसा है कि पर्सन की एक आईक्यू रेंज होती है, उस आईक्यू रेंज के बिलो जाने पर पर्सन क्या होता है? आईक्यू रेंज की बिलो जाने पर मेंटली रिटार्ड हो जाता है। और मेंटली रिटार्डेड की क्या होती है? स्टेजेस होती है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो अगर इन स्टेजेस में क्या है? आईक्यू रेंज। अगर आपको मान लीजिए आईक्यू रेंज किसी पर्सन की बिलो 20 है तो वो क्या होगा? वो प्रोफाउंड यानी कि सबसे सीवियर कैटेगरी का मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा। तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन आते हैं मेंटल रिटार्डेशन के वो किस में आते हैं? चैप्टर F70 से 79। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए F80 से 89। F80 से 89 जो हैं वो आते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि स्पीच में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, स्कूल स्किल्स में प्रॉब्लम, सही से बोल नहीं पाना, हथला के बोलना, दिक्कत आना, अच्छे से नहीं बोल पाना, किसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स किस में आती हैं? F90 से 98 में। यानी कि बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया। मेंटल रिटार्डेशन के बाद में F80 से 89 बताया आपको डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से आते हैं? स्पीच में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, स्कूलिस्टिक स्किल्स में प्रॉब्लम, तो वो सारे किस में आएंगे? डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जबकि F90 से 98 में क्या आएंगे? जो चाइल्डहुड में डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, टिक्स डिसऑर्डर, जैसे नाखून खाना, नाखून की बाइटिंग करना, ये सारे डिसऑर्डर किस में आते हैं? F90 से 98। और एक लास्ट कैटेगरी डिवाइडेड की गई है जिसको F99 कहा गया है, उसमें वो मेंटल डिसऑर्डर जो अनस्पेसिफाइड होते हैं वो किस में आते हैं? F99 में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ ICD क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया था DSM क्लासिफिकेशन, जिसको डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन का जो फोर्थ वर्जन था वो 1994 में चल रहा था, और अभी 18 मई 2013 से इसका फिफ्थ वर्जन आ गया, जो कि बुक्स में नहीं दिया अभी तक। और इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि DSM किसके द्वारा दिया गया, तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1952। फर्स्ट जो पब्लिकेशन था 1952 में था, और अल्टरनेटिव टू ICD-6 एज एन अल्टरनेशन टू ICD-6, और ICD-6 के अल्टरनेटिव के रूप में ये DSM क्लासिफिकेशन बनाया था, जैसे कि इंडियन क्लासिफिकेशन बनाया था ICD-8 के मॉडिफिकेशन में। द करंट वर्जन ऑफ द DSM 5th
एडिशन पब्लिश इन 18 मई 2013 को इसको पब्लिश किया गया एंड द डीएसएम इज यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द वेरियस डिग्री अराउंड द वर्ल्ड। और यूनाइटेड स्टेट के अलावा भी इसमें वर्ल्ड में कहीं जगह जो है वो डीएसएम क्लासिफिकेशन को माना जाता है। लास्ट मेजर रिविजन वॉज द फोर्थ एडिशन पब्लिश इन 1994। मैंने आपको बताया है कि जो इसका लास्ट वर्जन था रिविजन हुआ था वो 1994 में हुआ था इससे पहले। थर्ड वन अपन बात करते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इंडियन क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर ICD-8 के क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन करके बनाया गया था एक्चुअली में, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने साथ दिया था जैसे कि नेकी विक सिंगर वैया वर्मा हैव बीन द फर्स्ट टाइम ट्राई टू क्लासीफाई साइकेट्रिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन ICD-8। ICD-8 में मॉडिफिकेशन किया और इन सब ने मिलकर और क्या बनाया इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें तीन टाइप से मेजर डिवाइडेड किए साइकोसिस न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर। फर्स्ट वन तो साइकोसिस, सेकंड वन न्यूरोसिस और थर्ड वन स्पेशल डिसऑर्डर। साइकोसिस की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है कि साइकोसिस होता क्या है। साइकोसिस मीन्स आपके अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं है, आप ओरिएंटेड नहीं हो डिजीज के बारे में इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो क्या है साइकोसिस। साइकोसिस जो फर्स्ट पार्ट है इंडियन क्लासिफिकेशन का, ये वो क्लासिफिकेशन है जिसमें आते हैं कौन कौन से मेजर मेंटल डिसऑर्डर। मेजर मेंटल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं साइकोसिस, और इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, कौन कौन से फंक्शनल साइकोसिस, अफेक्टिव साइकोसिस और ऑर्गेनिक साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस में तो कौन सा आता है स्किज़ोफ्रेनिया, जबकि अफेक्टिव साइकोसिस, अफेक्टिव का मतलब होता है मूड साइकोसिस, और मूड में कौन कौन सा आता है मेनिया और डिप्रेशन। और ऑर्गेनिक साइकोसिस मैंने आपको पहले ही बताया कौन से क्लासिफिकेशन है, जो न्यूरॉन्स में और इसमें चेंज होने के कारण माइंड में प्रॉब्लम होने के कारण ऑर्गेनिक कारण से होता है वो आता है ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो फर्स्ट वन साइकोसिस, साइकोसिस में आल्सो नोन एज मेजर मेंटल डिसऑर्डर जिसमें कौन कौन से टाइप्स हैं फंक्शनल अफेक्टिव और ऑर्गेनिक साइकोसिस। और फंक्शनल में तो आता है सिजोफ्रेनिया, अफेक्टिव साइकोसिस में आता है मेनिया और डिप्रेशन, और ऑर्गेनिक साइकोसिस में जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। सेकंड वन बात करते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस इज आल्सो नोन एज माइनर मेंटल डिसऑर्डर। साइकोसिस को तो क्या कहते हैं मेजर मेंटल डिसऑर्डर, और न्यूरोसिस को माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये जो माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्लासिफाइड किए गए हैं फॉलोइंग टाइप्स में, कौन कौन से एंजाइटी के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और फोबिक न्यूरोसिस। ये जो भी डिसऑर्डर हैं वो इंडियन क्लासिफिकेशन के कौन से टाइप में डाले गए हैं सेकेंड टाइप में, यानी कि न्यूरोसिस, क्योंकि ये सारे टाइप कौन कौन से हैं ये सब माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। और लास्ट वन है वो है स्पेशल डिसऑर्डर्स जिसको ना तो साइकोसिस में ना न्यूरोसिस में क्लासिफाई किया गया है, इनको सिर्फ डिजीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। ये कौन कौन से होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम के कारण होते हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स, और सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर जो सब्सटेंसेस एब्यूज करने वाले पर्सन होते हैं उसमें जो डिसऑर्डर होते हैं सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, और चाइल्डहुड डिसऑर्डर। जो चार टाइप के ये डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है, ये इंडियन क्लासिफिकेशन की बात होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आप मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है जिसमें मेन क्लासिफिकेशन ICD, DSM और इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के नाम से आप जानते हो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप याद रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।